अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग वीवो Y11 की। कल से ऑफिशियल रिलीज है, कल से स्टॉक आएगा मार्केट में, लेकिन ऑफिशियल रिलीज से पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूं मैं वीवो Y11 की। इसकी प्राइस रखी गई है 24,000 रुपये, जो कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी ओवर प्राइस है डिवाइस। इसकी स्पेक्स के हिसाब से 24,000 रुपये ओवर प्राइस डिवाइस है। तो अभी देखेंगे अनबॉक्स करने के बाद डिवाइस देखने में कैसी है, डिवाइस की स्पेक्स क्या हैं, बॉक्स में एसेसरीज क्या मिल रही हैं जो उसकी प्राइस को जस्टिफाई करती हैं या नहीं करती हैं, 24,000 रुपये की प्राइस के अंदर डिवाइस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो अनबॉक्स करने के बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग वीवो Y11 का। बॉक्स है यहाँ पे, सामने की साइड पे 5000 mAh बैटरी मेंशन है, 3GB रैम विथ 32GB रोम का वेरिएंट है, ये भी काफ़ी साहब ने बड़ा मेंशन कर दिया है। इसके अलावा बैक साइड पे तीन चीज़ों को हाईलाइट किया है, एक तो 5000 mAh बैटरी, दूसरा 6.3 इंच हॉलो फुल व्यू डिस्प्ले और तीसरा AI डुअल कैमरा, यानी डुअल कैमरा सेटअप लगाया गया है बैक साइड पे। और जो कलर है मेरे पास वो मिनरल ब्लू कलर है। तो सबसे पहले रैपिंग उतार लेते हैं। यहाँ पे रैपिंग उतारने के लिए कटर आ गया मेरे पास। और यहाँ पे हमेशा की तरह सबसे पहले ऊपर रखा हुआ है वीवो का एक अदद बॉक्स, जिसके अंदर होता है एक प्रोटेक्टिव केस। सबसे ऊपर सिम इजेक्टर पिन है, उसके बाद कुछ यूजर मैनुअल्स हैं, फिर एक प्रोटेक्टिव केस, सिलिकॉन कवर और एक बॉक्स हो गया खाली। उसके बाद है हमारे डिवाइस, और ये आ गए हमारे डिवाइस मिनरल ब्लू कलर। कलर्स तो खूबसूरत है और इस तरह की लुक भी है जैसे ग्लास बिल्ड हो, और मुझे लग भी ग्लास रही है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे स्पेक्स निकालने के बाद कि यहाँ पे ग्लास बिल्ड है या प्लास्टिक है। डिवाइस मैं ऑन कर लेता हूँ। डिवाइस जब तक ऑन हो रही है मज़ीद कॉन्टेंट देख लेते हैं। IMEI स्टिकर्स हैं, IMEI स्टिकर्स के साथ यहाँ पर मिल रहा चार्जर, और 5W 2A का चार्जर लगाया गया है बॉक्स में। इसके साथ मिल रही है केबल, चार्जिंग केबल मिल रही है, जो कि यहाँ पे होगी माइक्रो USB केबल। तो टाइप सी कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, माइक्रो USB केबल मिल रही है विद 5.2A का चार्जर के साथ। हैंड फ्री नहीं मिल रही, 24,000 रुपये की डिवाइस है, हैंड फ्री भी नहीं है, माइक्रो USB है। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन कवर मिल रहा है, ये आ गया सिलिकॉन कवर। ये एसेसरीज मिल रही हैं वीवो Y11 के बॉक्स में, एक 24,000 रुपये की डिवाइस जो कि आपको ये एसेसरीज दे रही है बॉक्स के अंदर। अभी हम मजीद कंटेंट देखते हैं, डिवाइस का फर्स्ट लुक लेते हैं, लेकिन पहले ये एसेसरीज साइड पर रख देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ पर हम इसकी डिवाइस का फर्स्ट लुक भी ले लेते हैं और स्पेसिफिकेशन भी डिस्कस करते हैं। वीवो Y11 2019 मॉडल बनाया गया है ये। राइट साइड पर लगाए गए हैं वॉल्यूम रॉकर्स, और वॉल्यूम रॉकर्स के साथ पावर ऑन ऑफ की मिल रही है। और अगर राइट साइड हम देखें तो डिवाइस कितनी ज़्यादा मोटी है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इसकी बड़ी बैटरी जितनी भी वीवो की वाई सीरीज़ आई है वो मुझे पसंद इसीलिए नहीं आई कि बहुत ज़्यादा मोटी डिवाइसेज होती हैं, जो कि लुक में इतनी प्यारी नहीं लग रही होती डिवाइसेज। अप साइड ब्लैंक है, अप साइड पर कुछ नहीं है। लेफ्ट साइड पर यहाँ पर सिम ट्रे मिल रही है, और यहाँ पर हम निकाल के देख लेते हैं स्लॉट यहाँ पर हमें कौन सी मिल रही है। यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखा भी देता हूँ स्लॉट, और यहाँ पे 3 कार्ड स्लॉट मिल रही है, यानी डेडिकेटेड स्लॉट है मेमोरी कार्ड के लिए, और 2 नैनो सिम एक साथ लगा सकते हैं आप यहाँ पे। इसके अलावा डाउन साइड डिस्कस करते हैं डिवाइस की। डाउन साइड पे 3.5 mm का ऑडियो जैक लगाया गया है, और माइक्रो USB चार्जिंग जैक लगाया गया है, और यहाँ पे स्पीकर लगाए गए हैं। तीनों चीज़ें डाउन साइड पर लगाई गई हैं। बैक साइड डिस्कस करें डिवाइस की, बैक साइड पर डुअल कैमरा सेटअप लगाया गया है, यहाँ पे LED फ्लैश भी मिल रहा है। उसके साथ यहाँ पे बीच में लगाया गया है फिंगरप्रिंट सेंसर, और यहाँ पे नीचे की साइड वीवो की ब्रांडिंग हुई भी है। और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो लगाई तो ऐसा है, जो लुक दे रही है वो ग्लास का लुक है, लेकिन है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बिल्ड। तो यहाँ पे लुक जो मिलेगी आपको, ज़्यादातर लोग समझेंगे कि ग्लास बिल्ड है, लेकिन है प्लास्टिक बिल्ड, पॉलीकार्बोनेट लगाई गई है। फ्रंट साइड डिस्कस करते हैं डिवाइस की। तो फ्रंट साइड पे यहाँ पे हमें मिल रहा है नॉच, मिल रही है नॉच डिस्प्ले है यहाँ पे भी, उसी तरह जिस तरह हमें दूसरी डिवाइस के अंदर नॉच वाटर ड्रॉप नॉच मिल रही होती है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन अगर डिस्कस करें तो 6.3 इंच का डिस्प्ले लगाया गया है, HD+ डिस्प्ले मिल रहा है, और IPS LCD लगाई गई है यहाँ पे भी। 720x1520 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन मिलने वाला है, 268 PPI की पिक्सल डेंसिटी मिल रही है। तो ये इसका डिस्प्ले है वीवो Y11 का, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कलर्स, यहाँ पे ब्राइटनेस भी फुल रखी हुई है।
कलर्स इतना ज़्यादा कोई खास मज़ेदार नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से 720 का डिस्प्ले ही मिलने वाला है इस प्राइस रेंज के अंदर। लेकिन यहाँ पे प्राइस रेंज की जब बात कर रहा हूँ तो मुझे रियलमी 5 बार बार जहन में आता है, क्योंकि 26,000 रुपये यानी 26,000 के अंदर रियलमी 5 का 4GB रैम विद 64GB रोम का वेरियंट हमें मिल रहा है, जबकि ये 24,000 रुपये का है 3GB विद 32GB रोम का वेरियंट। इसके अलावा फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है विद अपर्चर f1.8, बैक साइड पर 2 कैमरे लगाए गए हैं, 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा f2.2 अपर्चर के साथ, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर f2.4 अपर्चर के साथ। तो यहाँ पे हमें 2 ही कैमरे मिल रहे हैं, जबकि Realme 5 Pro के अंदर 4 कैमरे मिलते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर। परफॉर्मेंस डिस्कस करें तो परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन 439 की चिपसेट लगाई गई है, और स्नैपड्रैगन 439 की चिपसेट के साथ यहाँ पे जो GPU मिल रहा है वो एंडिनो 505 का GPU मिल रहा है, जो कि काफ़ी आउटडेटेड है, पुराना वर्जन है, GPU भी पुराना है और यहाँ पे चिपसेट भी पुरानी है। स्नैपड्रैगन 439 पहले के डिवाइसेज में आता था, जो कि अंडर 20,000 रुपीज़ डिवाइसेज होती थी उसमें ये चिपसेट आती थी। 1.9 GHz का ऑक्टाकोर CPU मिल रहा है, और रैम और रोम के वेरिएंट के जैसे बारे में बताया मैंने आपको, 3GB रैम विद 32GB रोम का वेरिएंट है, लेकिन मेमोरी कार्ड की सपोर्ट यहाँ पे मिलने वाली है, डेडिकेटेड सपोर्ट दी गई है, 256GB तक का मेमोरी कार्ड सपोर्ट करती है डिवाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 9 पाई मिल रहा है, एंड्रॉइड 9 पाई आउट ऑफ बॉक्स मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो कलर ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम है वीवो का, फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम 9.1 वर्जन मिल रहा है। और दूसरी जो उसकी खास बात, जिसको सिर्फ और सिर्फ वीवो वाई सीरीज के अंदर हाईलाइट किया है वीवो ने, वो है 5000 mAh की बैटरी। तो 5000 mAh की बैटरी को चार्ज होने में भी कितना ज़्यादा वक्त लगेगा ये आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं फास्ट चार्जिंग की कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाली, ना ही कोई फास्ट चार्जर बॉक्स में मिल रहा है, ना ही स्नैपड्रैगन 439 कोई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। उसके अलावा एक चीज़ और है, फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड पर मिल रहा है यहाँ पे, और इसकी स्पीड वगैरह भी टेस्ट करेंगे, इसके रिव्यू में करेंगे सारी चीज़ें, कैमरा भी के टेस्ट करेंगे। लेकिन अभी तक जो मैंने डिवाइस यूज़ की है, डिवाइस की जो फील है वो इसकी प्राइस के हिसाब से ओवर प्राइस लग रही है। डिवाइस 24,000 रुपये की नहीं होनी चाहिए थी डिवाइस, मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा था जब मुझे न्यूज़ मिली थी कि वीवो की तरफ से नई डिवाइस आ रही है Y11 के नाम से, और जब मैंने इसकी स्पेक्स रीड करी तो मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा था कि 20,000 से 21,000 रुपये तक की डिवाइस होगी, 20 से 21,000 रुपये मैक्सिमम इसकी प्राइस थी। लेकिन इसको 24,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च करके वीवो ने अच्छा नहीं किया, मतलब ओवर प्राइस लॉन्च हुई है डिवाइस। अब मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि जल्दी रिबेट आएगी, अगर वीवो देखता है मार्केट को कम्पीट करना है तो उसको जल्दी इस पर प्राइस कम करनी पड़ेगी। तो ये थी अनबॉक्सिंग वीवो Y11 की, डिवाइस आपको कैसी लगी, डिवाइस वाकई ओवर प्राइस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।